नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल अर्पण बोस वायलिन में। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कैसे मीर के साथ वायलिन में सारेगामा पाधानिसा बजाना चाहिए। हम पिछले वीडियो में दिखाए थे जो कैसे एक बो में हम लोग ज़्यादा नोट्स बजा सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे जो कैसे हम मीर के साथ सारेगामा पाधानिसा बजाएंगे। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में मीर का व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें आप जो बजा रहे हैं राग रागिनी, उसका भजन शैली अच्छा होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेसन। देखिए, मेरा डी तार ट्यून है सा पे और मेरा ए तार ट्यून है पा पे, तो एकदम पहले शुरुआत करते हैं डी तार से। सा रे गा मा पा धा नी सा। लोग जब वायलिन बजाना शुरू करते हैं एकदम फर्स्ट टाइम, हम लोग सारेगामा हम वो काट करके बजाते हैं, जैसे सारेगामा पाधानिसा हम लोग मीर करके बजाएंगे। तो देखिए, हम सा से रे तक मीर करके रे बजा रहे हैं। कौन सा फिंगर से? मेरा इंडेक्स फिंगर से। उसके बाद इंडेक्स फिंगर से पोजीशन से मिडिल फिंगर से हम गा बजा रहे हैं। उसके बाद मिडिल फिंगर से गा का पोजीशन से थोड़ा आगे हम हमारा रिंग फिंगर से मा बजा रहे हैं। वही फिंगर को, मतलब रिंग फिंगर को हम थोड़ा ऊपर करके पाई पा बजा रहे हैं डी तार में। देन इंडेक्स फिंगर से धा, मिडिल फिंगर से नी, देन रिंग फिंगर से सा। अब लौट रहे, मैं और एक बार बज रहा जब डी और ए तार मिला के हमारा सारेगामा पाधानिसा ठीक तरीके से हाथ में आ जाएगा। उसके बाद यही नोटेशन हम लोग जी तार से ई तार तक प्रैक्टिस करेंगे। मेरा जी तार लोअर ऑक्टेव का मा पे ट्यून है, तो कैसे शुरुआत करेंगे? मा पा धा नी। लौटेंगे, मा
और एक बार बज रहा हूं। मा पा धा नी, उसके बाद सा हम जी तार में भी कर सकते हैं, डी तार में भी कर सकते हैं। मगर जब मीट से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सा मेरे माफी अब जी तार में ही बजाइए, मतलब धा सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा। बैक लोगों को जरूर ये लेसन पसंद आया, तो आप लोग घर में भी ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपका मीर बजना बहुत अच्छी तरीके से आपका हाथ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।